और राइट गाइस, आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे पांच गेम्स के बारे में जो आपको मन से दिल से जहां जहां से पॉसिबल है वहां वहां से आपको सेटिस्फाई करता है, मतलब मन की शांति दे देता है पूरा। इन सारी गेम्स में आपको पूरा का पूरा इंडिपेंडेंस ही मिलता है और आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, फन होता है, आपको पूरा का पूरा सेटिस्फाई कर देता है। तो ये लिस्ट जो है ये कोई भी रैंक लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ पांच गेम का लिस्ट है। नंबर 5 में आता है Assassin's Creed Origin और Assassin's Creed Unity। देखो, अगर आप लोग जिंदगी में बहुत ही स्टेल्दी हो या फिर चुप चुपाते हुए सारे काम करते हो या फिर रात में काम करना पसंद करते हो या फिर पीछे से बार करना ज्यादा पसंद करते हो, लोगों का टेटुआ दबा के मारना ज्यादा पसंद करते हो, तो Assassin's Creed गेम आपके लिए ही बना है। देखो, Assassin's Creed का तो बहुत सारे गेम्स है पर उनमें से मैं दो ही चूज किया, क्यों मैं बताता हूँ। देखो, एक गेम ऐसा था जिसने Assassin's Creed का जो मेन डिमार्केशन हिडन ब्लेड वही हटा दिया गया था। दूसरे बहुत सारे गेम्स है जिसमें आप लोग क्राउच नहीं कर सकते, मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे जगह पर चढ़ सकते हो, सिंक्रोनाइज करने के लिए एक बहुत ही बड़ा टावर पे चढ़ सकते हो, पर क्राउच नहीं कर सकते, ये क्या लॉजिक हुआ। और कुछ कुछ गेम तो इतना ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा पुराना बना दिया गया है कि पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी को डाउन ही मार दिया। इसलिए मैंने ओरिजिन और यूनिटी को चॉइस किया। अब देखो, यूनिटी और ओरिजिन में वो सारी इंडिपेंडेंसी है जो एक खूनी को होना चाहिए। वो क्राउच कर सकता है, हिडन ब्लेड का यूज कर सकता है, दोनों को साथ साथ गिरा सकता है, मार सकता है, नए नए वेपन टेक्नोलॉजीज को ला सकता है, लोगों को सुला सकता है, बहुत बड़े बड़े फोर्ट को चला सकता है, वो भी पीछे से। तो इसलिए मुझे Assassin's Creed का गेम इतना ज्यादा पसंद है। अब देखो, अगर आप लोग मार पिटाई खून लोगों को गाजर मूली की तरह काट लेना तो ऐसा गेम्स पसंद करते हो तो आप लोगों के लिए वर्ल्ड वॉर जेड गेम सबसे ज्यादा बेहतर होगा। इस गेम में आपको फुल इंडिपेंडेंसी दिया जाता है, आप कुछ भी कर सकते हो जॉम्बीज के साथ। आप लोगों को गाजर मूली की तरह काट सकते हो, सॉ कटर से गोलियों से पूरा का पूरा छारखार कर सकते हो, सब लोगों के सर पे गोली मार सकते हो, एक एक स्नाइपर लेकर या फिर चाकू लेकर हर किसी का गला फोड़ सकते हो, या फिर बड़े बड़े मशीन गन सोच लो उसमें आप लोग बैठ के गोली अंधाधुंध गोलीबारी कर सकते हो। रुको, मुझे पता है आप लोगों को वीडियो आगे तक देखना है, पर उसके पहले प्लीज अपना जो स्क्रीन है ना उसे थोड़ा सा स्क्रॉल करो तो आप लोगों को लाल वाला एक बटन दिखने को मिलेगा, उसे सब्सक्राइब वाला बटन कहते हैं, तो उसे प्लीज दबा दो। इससे क्या होगा, आप लोग मेरे साथ जुड़े रह पाओगे। अब देखो, अगर तुम लोग हैकर्स मूवी देख के बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हो गए हो हैकर से लेकर, तो तुम लोग वॉच डॉग्स 2 खेल सकते हो। इससे ज्यादा बेहतर हैकिंग वाला गेम आज तक बनी नहीं है। तुम लोग रिलेट कर पाओगे, जब एक हैकर की नाम कहा जाता है या फिर हैकर वर्ड हमारे सामने आता है तो हमारे दिमाग में क्या चलता है। हम लोग कहीं और बैठ के किसी और कैमरा को कंट्रोल कर रहे या फिर किसी और की लैपटॉप में घुस गए, उसके सारे के डेटा चुरा लिया, या फिर कोई भी बैंक में घुसा और सारे का सारा जो माल है वो लूट लिया। वॉच डॉग्स के 3 फ्रेंचाइजी है, वॉच डॉग्स 1, वॉच डॉग्स 2 और वॉच डॉग्स लीजियन। अब इन तीनों में से मैंने वॉच डॉग्स 2 को इसलिए चुना क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है हैकिंग करते हुए। आप उसको ज्यादातर ज्यादा आपको रियलिटी लगने कि आप लोग बैठ के खुद ही हैकिंग करवा रहे हो। अगर आप लोग राजा महाराजा से बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हो, आप खुद का साम्राज्य बनाना चाहते हो, बहुत बड़ा एम्पायर बनाना चाहते हो, तो इसके लिए बहुत सही गेम है राइज ऑफ नेशन या फिर एज ऑफ एम्पायर्स। एज ऑफ एम्पायर्स का बहुत सारा गेम्स है जिसमें आप खुद का साम्राज्य बिठा सकते हो, अपना सेना तैयार करना, फोर्ट बनाना, विलेज बनाना, एक टाउनशिप करना, बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज चलाना, बहुत कुछ आप लोग कर सकते हो जो आप लोग रियल लाइफ में नहीं कर सकते कभी। अब इन गेम्स में एक ही प्रॉब्लम है, वो है भगवान कैमरा। आप कभी भी नीचे जाकर, मतलब पास से कभी भी नहीं देख सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर से ही बैठ कर देखना होगा। इससे ज्यादा और कोई प्रॉब्लम मुझे इस गेम में नहीं दिखता है। आप अगर खुद को इतना ज्यादा महाराज टाइप का फील करवाना चाहते हो, दूसरे देशों के साथ युद्ध करना, मतलब लड़ाई करना चाहते हो फर्स्ट पर्सन से नहीं भगवान कैमरे से, तो आप लोग ये सारा गेम्स खेल सकते हो, आपको फुल्ली सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। जो लोग रियलिज्म को एंजॉय करना चाहते हो या फिर गैंगस्टर होना चाहते हो या फिर किसी का सर फोड़ देना चाहते हो, कहीं भी चढ़ाई उतराई करना चाहते हो, प्लेन से उड़ना चाहते हो या फिर नदी से चलना चाहते हो, नदी के नीचे जाना चाहते हो या फिर समुंदर में पारी देना चाहते हो, इन सब के लिए एक ही गेम है, सबसे ज़्यादा बेहतर गेम है, सब लोगों को पता है, उसका नाम है GTA 5। GTA 5 से ज़्यादा अच्छा आज तक गेम मैंने देखा ही नहीं है। मतलब GTA 5 का जो टेक्सचर्स है वो तो अलग छोड़ ही दो, जो फिजिक्स है ना, अपडेट के बाद अपडेट आता है और जो फिजिक्स बना है आज तक, मतलब हद से ज़्यादा अच्छा है, वही है असली रियलिटी। अगर रियलिज्म को एंजॉय करना चाहते हो तो आप लोग GTA 5 खेल सकते हो, जहाँ पर आप लोग लिटरली कुछ भी कर सकते हो, टीचर्स बनने से लेकर साइंटिस्ट बनना या फिर कोई भी बिजनेस होल्ड करना, कोई भी वीडियोग्राफी चलाना, कुछ भी आप लोग कर सकते हो, वहाँ का सिनेमा प्रोड्यूसर होना या फिर आपका ड्रीम कैरेक्टर चलाना, जैसे कि मेरा आयरन मैन, ठीक है, तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो। तो यही है आज का हमारा लिस्ट, जहाँ पर हम लोग बात किए ऐसे कुछ गेम्स
जिसमें आपको फुल सेटिस्फेक्शन मिलता है, जहाँ पर आप लोग लिटरली कुछ भी इंडिपेंडेंसी के साथ कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक मारो, अगर कमेंट कर दो, कोई भी सवाल हो तो GTA 5 के रिगार्डिंग हो सकता है या फिर कोई भी गेम के रिगार्डिंग हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मास्क पहनिएगा ज़रूर, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल।